नव जीवन का दिव्य सृजन संसार नारियां होती हैं, संवेदन ग्रंथों की करुणाकार नारियां होती हैं, सह लेती हैं सभी कष्ट जो अपने कोमल से मन पर, सह लेती हैं सभी कष्ट जो अपने कोमल से मन पर, इसीलिए इस सृष्टि की आधार नारियां होती हैं, इसीलिए इस सृष्टि की आधार नारियां होती हैं। और नारियां जो आजकल चल रहा है और जो नहीं होना चाहिए, मैं वो चार पंक्तियां रखती हूँ, चार पंक्तियां मैं रखूंगी, आप खुद बखुद समझ जाएंगे कि मैं किस बात की ओर इशारा कर रही हूँ। चार पंक्तियां, बाद ब्रह्म के केवल स्त्री ही तो कुछ रच पाएगी, इस पूरे सृष्टि को जन्म दिया रचना की पर ब्रह्म ने, उसके बाद ये शक्ति अगर किसी में है तो वो सिर्फ नारी है। बाद ब्रह्म के केवल स्त्री ही तो कुछ रच पाएगी, आखिर अपने हिस्से का सम्मान वो सच सच पाएगी, कठिन वक्त है कलयुग के दुःशासन रावण की चक से, कठिन वक्त है कलयुग के दुःशासन रावण की चक से, यदि नारी बच पाएगी तो ही दुनिया बच पाएगी, यदि नारी बच पाएगी तो ही दुनिया बच पाएगी। और नारी कैसे बच सकती है, आह्वान करती हूँ और संदेश के रूप में चार पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। बन कर घर शंभु सा पापी को शोक दिया जाए, गलत राह पर चले सभी कदमों को रोक दिया जाए, क्या बात है, वाह। पद्मिनियों के जौहर कर्ण से ये ज्यादा अच्छा है, क्या बात है, पद्मिनियों के जौहर कर्ण से ये ज्यादा अच्छा है, जौहर की ज्वाला में अब खिलजी को झोंक दिया जाए, खिलजी को झोंक दिया जाए। और इस सृष्टि का, घर का, परिवार का, समाज का आधार कैसे है नारी, चार पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत है। स्त्री का अस्तित्व जहाँ घटता है वह घर रोता है, क्या बात है। हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति, हमारे परंपरा में नारी को लक्ष्मी सरस्वती का रूप दिया गया है, लेकिन ऐसी अनगिनत घटनाएं आए दिन हमारे सामने होती हैं जो वाकई में नहीं होनी चाहिए। तब चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्त्री का अस्तित्व जहाँ घटता है वह घर रोता है, जो देवी को देख न पाए भाग्य उसी का सोता है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ नारी का अपमान हो और उस घर की वृद्धि नहीं देख सकते हैं, यह असंभव है। बिल्कुल। स्त्री का अस्तित्व जहाँ घटता है वह घर रोता है, जो देवी को देख न पाए भाग्य उसी का सोता है, जब भोजन पानी बर्तन पति बच्चे साथ में देखे तब, घर बाहर चहुं ओर तो देखती है बस उसकी ओर ही कोई नहीं देखता, जब भोजन पानी बर्तन पति बच्चे साथ में देखे तब, तब नारी में अष्टभुजा माता का दर्शन होता है, तब नारी में अष्टभुजा माता का दर्शन होता है।